हेलो हेलो। हाँ अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम सलाम। कौन? टीपू मैं बोल रहा हूँ टीपू सुल्तान। सुल्तान? जी हाँ बताइए भाई। अच्छा कल रात को फेसबुक पे कुछ कमेंट और सब्सक्राइब चल रहा था। भाई, फेसबुक तो मुझे खोले हुए 1 हफ्ता हो गया। अच्छा तो आपका एक नंबर मिला हुआ है मेरे को। मैंने रात को कहा था, अभी तलहा कौन है? तलहा कोई दूसरे है। मैं उन्होंने तो आपका नंबर दे दिया है। मेरा नंबर दे दिया तो बताइए क्या हो गया। नहीं वहाँ पे कल ऐसी बात हो रही थी कि क्या चीरी चल रहा है क्या? क्या नहीं, टीवी चल रहा है क्या? रोड पे हूँ। अच्छा मैंने सोचा कि आवाज आ रही है, टीवी लगा रहे हैं क्या? नहीं कल एक बात हो रही थी कि वो कह रहे थे, आपका सबसे नाम क्या है? मेरा नाम अफू खान है। हाँ अफू खान, यहाँ पे लिखा हुआ 84 041 62 529 अफू खान। मैंने लिखा था कि अंत में कि पर्सनल अपना नंबर दे लीजिए भाई, मैं सुबह में बात करता हूँ, रात को लगभग 9:30 बजे वहाँ पे बात किया जान दे समझिए साहब को। वहाँ पे लिखा हुआ था कि कुल्लू नर्सिंग हॉस्पिटल मौत, जब वह जिंदा है उनको मौत का मजा चखना है तो बताइए कि आपके चीज साहब जिंदा है या मुर्दा है? देखिए, क्यों हो सकता है कोई भाई फेसबुक पे हो, वो आपसे बहस कर रहे हो, और जब आपने हाँ उनसे नंबर मांगा हो तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया हो। ठीक है, वो तो तो मैंने सोचा कि हाँ जी हाँ जी बिल्कुल टीपू सुल्तान भाई देखिए, ऐसा है, अगर कोई कहता है कि जो हमारे पीर बाबा हैं, औलिया हैं, वो इस दुनिया में वैसे ही जिंदा है जैसे पहले जिंदा थे, तो हम उनसे जी कहते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला सूरह आल इमरान उसकी आयत नंबर 185 में भाई ये फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी कि हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। तो अगर आपके पीर बाबा वली औलिया इस दुनिया में जिंदा है जैसे पहले जिंदा थे, तो उनको मौत जी कब आएगी? तो ये हमारा पहला सवाल है, तो यही हम जी पूछते हैं। और अगर आप ये भाई इतना मानते हो कि नहीं दुनिया में जिंदा नहीं है, आलमे बरजख में जिंदा है, और कैसे जिंदा है इसका हमको शऊर नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। तो आपका मानना क्या है, पीर बाबा औलिया आपके इस दुनिया में वैसे ही जिंदा है जैसे पहले जिंदा थे? तो दुनिया जितनी भी मोहलत दी उतने समय तक वो जिंदा रहे और दुनिया से रुखसत होते रहे मतलब और इंतकाल हो गया कब्रों ना, में मौत जाने उनको आ गई ना। उसके बाद कब्रों में जाने के बाद खुदा जिसको भी जिसके उसके अमाल के हिसाब से उनके साथ रवैया किया जाता है, आप भी बेहतर जानते हैं। नहीं, तो अगर मानते वो हैं अल्लाह यही वाले सही होंगे, बात अल्लाह है, क्योंकि वाले होंगे तो आलमे बरजख में उनके वो लिए हर आदमी जिंदा है, चाहे वो नेक हो चाहे बद हो। जो बिल्कुल नेक है बिल्कुल उनका रोज मामला रोज अलग है, जो बद है उनका मामला अलग है, लेकिन जिंदा तो जी सभी है। जी लेकिन जिंदा तो वो सभी जो है, है ना, जिंदा वो बदलते मुर्दे के रहते बरजख हैं। की है। जी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं दुनिया में जिंदा है, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारा जवाब देते हैं, हमको मतलब भाई वो कब्र के अंदर से रोटी देते हैं और सब कुछ जी करते हैं, तो ऐसा किदा नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे कि हम हाँ, लोग बहुत सारी साझा करते किताबों हैं में तो आया आप है ना कि भाई जो मतलब जी बाबा है, पीर बाबा अपने मानने वाले, जो मतलब होता है मुरीद बेचारा भूखा होता है, तो उसको उसको कब्र के अंदर से अपना हाथ बाहर फेंक करके रोटी उसको दे देते हैं। तो इस तरीके की जी बातों को हम नहीं मानते हैं, ये अलिफ लैला में होता होगा, दीन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है। अम्बिया अलैह सलाम का मामला अलग है, अम्बिया अलैह सलाम का जो भाई जो जिस्म है वो भी जिंदा है, लेकिन अल्लाह वालों की जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। नहीं अल्लाह अल्लाह वालों वालों के के नहीं, अल्लाह वालों अम्बिया अलैह के जिस्म सलाम के को लिए खास मिट्टी है कि जो अम्बिया अलैह सलाम है यानी कि नबी है, नबियों के जो जिस्म है उस पर जो जो मिट्टी होती है वो हराम हो गई है। मिट्टी कभी भी अम्बिया अलैह सलाम के जिस्मों को खा नहीं योर सकते। नेटवर्क प्लीज मूव टू ओपन एरिया। हाँ सिर्फ यह बात नबियों के लिए है कि किसी और के लिए भी है?
ये जो फजीलत खास आई है कि जो जिस्म है वो मतलब भाई वो सलामत रहेगा, वो जो हदीस में आया है वो तो मेरे भाई खाली अम्बिया अलैहि सलाम के बारे में आया है, लेकिन भाई सहाबा के ताल्लुक से भी मतलब देखा गया, जैसे उमर रजी अल्लाह तआला का कब्र से एक बार जो पाँव था, पाँव आपका बाहर आ गया था, तो लोगों ने देखा तो पाँव आपका एकदम भाई ठीक ठाक था, सही सलामत था। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सिर्फ अम्बिया अलैहि सलाम का है और उसके बाद जिसका अल्लाह चाहे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं तमाम जितने नेकोकार हैं, औलिया अल्लाह है, पीर बाबा है, सबका जिस्म एकदम सलामत है। नहीं, ये जो फजीलत वही तो आई है मैंने ये कहा कि सिर्फ अल्लाह अम्बिया जिनका अलैहिस्सलाम के साथ खास है। जैसा अमाल होगा कब्र में उनके साथ वैसा ही रवैया किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो है ये भाई, अभी नेक अमाल तो करेंगे तो सभी आपकी जो कब्र है वो आपके लिए मेरे भाई जो जन्नत का बाग है वैसा बन जाएगा, हाँ, इससे बुरे इससे अमाल कहते हैं करेंगे थोड़ा तो भाई जहन्नम की जो खिड़की है खोल दी जाएगी, उसमें आपका अजाब चालू हो जाएगा। सुनिए सुनिए, इसको कहते हैं खुदा की तरफ से दिए जाने वाला सबसे पहला तोहफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उनके जिस्म को यह हुक्म दे देता है कि मिट्टियों को यह हुक्म दे देता है कि इनके जिस्म को न खाए, उनके ऊपर हराम हो जाता है। यह अल्लाह की तरफ से तोहफा है जो नबियों और के ये खास साक्षात नबियों के अलियों लिए के है, और अलियों के ऊपर भी है। आप समझिए इस बात को कि नबी इकराम सिर्फ का ही नबियों पे जमाना है, नहीं है। सुनिए बाकी हम कह सकते हैं बात, कोई और के साथ भी हो सकता है, लेकिन खास जो है वो सिर्फ नबियों के साथ है। खास तो अभी तो नबी का जमाना नहीं है, अभी वलियों का जमाना जमाना है। नहीं है तो बॉडी तो सहाबा भाई जो भी नबी है वो इस दुनिया में है ना, तमाम सबकी बिल्कुल, बॉडी वो भाई तो बिल्कुल वो सलामत है। बिल्कुल, कोई रहे ना रहे अल्लाह वाले तो जरूर रहेंगे, क्योंकि अल्लाह वालों के ही अल्लाह की पहचान है। समझ रहे बात को? और अभी तक आपने कहा कि नबियों के ऊपर, खास तौर से नबियों के ऊपर एक बहुत बड़े काफी भी कहिए तो बेहतर है। आपने देखा होगा कि फिरौन जो है अभी तक उसकी जिसमें कोई मिट्टी नहीं खाई, पानी नहीं पी, वो नहीं पानी खा सकी या ना मिट्टी, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? फिरौन जो बादशाह है मिस्र में, उसके ताबूत तो अभी रखा फिरौन हुआ है ना, उसका जी, उसके बारे में तो आपका क्या फिरौन की ख्याल है? तो लाश को एक मतलब भाई अल्लाह ताला ने नमूना बनाया है ना इबरत, कि बिल्कुल ता कयामत जी, तक आने वाले लोग देखेंगे, तो वो तो खास हो गया ना। उसको आप खास कहेंगे, उसको कहेंगे कि अल्लाह ने उसको एक मौजूदा बना के भेज दिया दुनिया वालों के लिए कि इबरत हासिल करें। तो तो कहने मतलब वह तो उसकी नबी लाश तक को कोई न खा पाया, न सला पाया, न पानी उसको गला पाया, तो यह अल्लाह ताला की मर्जी थी ना कि उसकी लाश को मतलब एक भाई वो नमूना बना दिया जाए। बिल्कुल, तो अल्लाह वाले भी जब ऐसे ही हैं, जो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जो मुझसे नाफरमान होगा तो मैं उसका यह असर कर दूंगा, समझिए, जो मुझसे नाफरमान होगा मैं उसका यह भाई असर कर देखिए टीपू दूंगा। सुल्तान मेरे प्यारे भाई, जितना आता है फिर हदीस में हमको उस अल्फाज पे ईमान रखना है। हदीस में आया अम्बिया अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जो मिट्टी है वो हराम है, तो बस हम अम्बिया अलैहिस्सलाम पे मानेंगे। इल्ला माशाल्लाह किसी और का जिस्म अगर भाई सलामत होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम दावा हम तो नहीं यह कर तो नमूना सकते। आपके ना, यह नमूना तो आपके सामने ही है कि जब एक बदकार इंसान या तो नाफरमान इंसान को अल्लाह या मौलवी में अख्तियार कर सकता है कि उसके जिस्म को कोई ना खा सके, कोई भी ना खा सके, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे राजी हो जाए उसके लिए क्या क्या कर सकता है, यह भी इख्तियार रखिए। देखिए उसका फिरौन जमाना की जो था लाश है इसमें ठीक है, वो जो फिरौन का जो भाई जो सारे पूरा टोला होता है लश्कर होता है वो डूब जाता है समंदर में, तो वो तो एक इबरत है ना कि जो इसकी लाश है इसको मानने वाले लोगों के लिए एक इबरत बना देंगे। जी कि आप समझ रहे हैं? खुदा जिसको चाहे, हाँ खुदा जिसको चाहे क्या फिर क्या कर तो दे। फिरौन के बारे में भी आता है, अम्बिया अलैहिस्सलाम के भी ताल्लुक से आता है, लेकिन हर पीर बाबा और वली औलिया के ताल्लुक से नहीं आता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, समझ रहे हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो कौन कैसा है? मैंने कहा ना उसके आमाल के साथ उसके साथ उसका रवैया होगा, तो खुदा ही बेहतर जानता है। अगर वह असल में कामिल होंगे, अगर असल में कामिल होंगे तो उनके ऊपर भी मिट्टी आराम हो जाएगी। लेकिन बाद में जो कहते हैं कि खुदा पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से जिंदा हैं, लोगों की सुनते हैं और सुनाते हैं, लोगों को बशारत देते हैं, उसी तरीके से अगर हमारे कामिल पीर हैं,
बशारत दे तो आप क्या उन पर इनकार उनको इनकार कर सकते हैं? अगर खुदा उनसे अगर रही हो गया है तो उन्हें यह इख्तियार दे दिया, अगर ना फरमान को यह मौजूदा बना कर दुनिया में भेज सकता है तो अपने खास बंदों पर भी यह नियमत अदा कर ही सकता है। देखिए कर सकता है, कर सकता है, वो बात अलग है, अल्लाह चाहे तो सब कर सकता है। लेकिन मैं इसका माना ये थोड़ी ना कि अल्लाह चाहे तो ना इंसाफी भी माजल्ला कर सकता है। तो ये तो सुधाई दिलाने वाला है, देखिए सुधाई मारने वाला है, सुधाई दिलाने वाला है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप दोनों तरफ देखिए। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कह दिया अल्लाह ताला कभी उससे फिरता नहीं। ठीक, अगर अल्लाह ने कह दिया है कि जो भी लोग भाई शिर्क करने वाले हैं उनके ऊपर जन्नत हराम है तो हराम है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह चाहे तो हो सकता है माफ कर दे, नहीं। जब अल्लाह ताला ने पहले कह दिया कि अल्लाह चाहे तो सब माफ कर सकता है चाहे तो, लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करेगा, तो बस फिर नहीं माफ करेगा। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं अल्लाह तो बहुत मतलब वो रहमान है, मेहरबान है, नहायत ही रहम वाला है, हमें माफ कर देगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, चिल्ला दूसरे दिमाग से निकाल दीजिए कि जब चिड़िया दाना चुप गई तो पछताए हो क्या, कहते हैं ना चिड़िया पूरा खेत ही चुप गई तो आप पछताए है क्या कि आप जाने। लेकिन अल्लाह का साथ ऐसा मामला है, अगर दाना हमने चुप भी लिया है और अगर हमको अपनी गलती का एहसास है, हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं, तौबा इस्तिगफार करते हैं, तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करेगा, पलटते हैं तब। अगर शिर्क पे मौत हो गई तो शिर्क माफ नहीं करेगा जी। और दूसरी और यह सिर्फ तो इस चीज या सिर्फ तो पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे इस सिर्फ तो पहले नंबर पे होगी। खुदा पाक इस बात को कभी माफ नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज तो भाई शिर्क है, बाकी अल्लाह ताला ने कह दिया है ना कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। और बाकी मतलब गुनाहों के बारे में आएंगे तो गुनाहों के बारे में तो भाई कुरान की आयतों में आता है कि अल्लाह ताला के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना, तो फौरन अल्लाह की बात करता है माँ बाप की नाफरमानी ना करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 से ज्यादा मदद करने वाला है, वो अलग चीज है। अब मैं दूसरी चीज आपको बता देता हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को भी खुदा माफ नहीं करेगा। इसीलिए तो बरेलवियों का हाल इस समय मेरे में बहुत ज्यादा नहीं, इसमें से नहीं आप बरेलियों का नाम लेकर कोई फिक्का मत बनाइए, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझिए। अल्लाह मैं समझ रहा हूँ, देखिए गुस्ताखी की जहाँ जहाँ बात आएगी ना वहाँ सबसे अव्वल सबसे ऊपर सबसे पहले भाई हमारे जो बरेलवी मसलक के भाई उनका नाम आएगा, बहुत बड़े गुस्ताखी अल्लाह के रसूल के। अच्छा हाँ सही बता रहा हूँ, जानता है उनका। पहले हम सोचते थे यार ये लोग नबी के आशिक हैं और नबी से मतलब भाई इश्क करने वाले हैं, लेकिन भाई हकीकत जब मतलब गहराई से जाना तो पता चल गया भाई इतने गंदे अकायद कि मेरे भाई जो यहूदी ईसाई है वो भी मेरे भाई शर्मा जाए। ईसाई लोग हैं वो कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम है वो अल्लाह के बेटे हैं, और बरेलवी क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया बनाने से पहले सबसे पहले अपने नूर से माजल्ला अल्लाह के नबी को पैदा किया। तो अब बताइए वो ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं और ये बात को मेरे भाई घुमा घुमा के कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, तो यानी कि भाई वो भी अल्लाह के बेटे हैं, तो क्या कीदे में फर्क रह गया? कहते हैं हर जगह अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है, मतलब जय बार हम भाई हम पढ़ेंगे दुरूद अल्लाह के नबी फटाक से आ जाएंगे कहीं भी होंगे, वो पर्दा कर गए हैं, उनके उनके ताल्लुक से इंतकाल का मौत का लफ्ज ना इस्तेमाल करो, और जो मौत का लफ्ज भाई इस्तेमाल करता है वो अल्लाह के नबी की जात में मतलब भाई गुस्ताखी करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में भाई कई आयतों में भाई इस्तेमाल किया मौत का लफ्ज, तो क्या माज अल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर फतवा ठोक दिया? वो कहते हैं कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं था वो अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करता है, गुस्ताखी करता है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि इस जमीन और आसमान का इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई को नहीं है, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। तमाम आयतों में अल्लाह ताला भाई कह रहा है, लेकिन तौहीन कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं खाली भाई अल्लाह ताला माजल्ला। ये बरेलवी लोग सारी मतलब भाई अपनी अकल लगा रहे हैं। ठीक,
ये लोग कहते हैं अल्लाह के नबी वो नूरी मखलूक थे लेकिन दुनिया में एक इंसान बन के आए थे, ठीक। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है सूरे अंबिया में कि हमने इंसानों में से एक इंसान को नबी बनाया, और ये लोग क्या कह रहे नहीं वो नूर थे, उनका साया नहीं था, परछाई नहीं थी, जबकि अल्लाह के नबी की बीवी खुद कह रही है कि मैंने एक साया देखा और साये के पीछे अल्लाह के नबी आए। अब बताइए, मतलब नबी की बीवी कह रही है साया था, तो यानी नबी की बीवी का भी माशाल्लाह कीदा सही नहीं था, वो भी माशाल्लाह अल्लाह के नबी की तौहीन कर रही थी। सिर्फ अगर अल्लाह के नबी की कोई इज्जत करता है तो वो है बरेलवी, बाकी तमाम लोग अल्लाह सहाबा ताबई तबे ताबई नाइमा मुहद्दिसीन सब लोग मेरे भाई अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते हैं माशाल्लाह, सिर्फ बरेलवी उनकी इज्जत को ऊंचा करते हैं। तो ये सब दोगलापन है इनका, ये खुद सबसे बड़े गुस्ताख है। ये कैसे अल्लाह के नबी जो उम्मी थे उम्मी नहीं है? अरे अल्लाह ताला खुद कह रहा है भाई सूरे जुमा में कि मैंने उम्मियों में से उम्मी को नबी बनाया। अब कहते हैं उम्मी कहते हो माज अल्लाह, नबी को उम्मी कहते हो, ये है वो है। अब लो यार मैं थोड़ी ना उम्मी कह रहा हूँ, अल्लाह सुबहान तआला सूरे फतेह की आयत नंबर 2 में कह रहा है कि ऐ नबी हमने आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया, गुनाहों को माफ कर दिया, खताओं को माफ कर दिया, कोताहियों को माफ कर दिया। ये लोग क्या कहते हैं कि माजल्ला, ये लोग तो कहते हैं कि नबी जो है भाई वो गुनहगार है। अरे हम थोड़ी ना करे, वो तो अल्लाह कह रहा है। भाई आप एक मोटी सी बात समझिए, इनका क्या दिमाग है कि अल्लाह ताला सूरे फतेह की आयत नंबर 2 में कह रहा है कि ऐ नबी हमने आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया, गुनाह को माफ कर दिया, खता को माफ कर दिया, तो ये हमसे पूछते हैं कि बताओ अल्लाह के नबी ने कौन कौन से मतलब भाई मतलब उल्टे सीधे काम किए, माजल्ला कौन सा गुनाह किया, तो ये हमसे पूछते हैं। इनकी मिसाल भी नहीं समझ में आती है। मान लीजिए मेरा कोई बेटा है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अगर मैं उससे कहूँ कि बेटा तेरे लिए 100 खून माफ है, तो क्या सामने वाला हमसे पूछेगा कि आपके बेटे ने भैया किनके किनके खून किए हैं? अरे ये तो मोहब्बत की अलामत है ना। इसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ नबी हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, तमाम जम को माफ कर दिया, यानी कि क्या है, इससे दलील मिल गई कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने एक तोहफा दे दिया, अब अल्लाह के नबी मासूम है। तो ये सब मेरे भाई समझते नहीं है। बस बात बात पे तुम गुस्ताख हो, तुम वहाबी हो, तुम अहले खबीस हो, तुम नजदी हो, तुम कुत्ते हो, तुम बिल्ली हो, तुम सुअर हो, तो क्या होगा? आप क्या हैं? आप क्या हैं? हम तो मुस्लिम हैं भाई, अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप गुस्ताख हैं कि नहीं है? भाई हम तो कह रहे हैं कि अहले सुन्नत अहले हदीस की एक गुस्ताखी साबित कर दीजिए कि उन्होंने अल्लाह के नबी की शान में ये गुस्ताखी की है। सुबह का सूरज बाहर आएगा, हम तौबा करेंगे। अल्लाह के रसूल सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम की हर जात आदम की हर औलाद गुस्ताख है, नाफरमान है, यानी कि गुनाहगार है। तो आप अपने आप को यह याद न करें कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, अपने अंदर झांकिए। किसी की उंगली किसी के ऊपर देखिए, आदम की हर औलाद भाई वो मतलब खताकार है, और सबसे बेहतरीन वो है जो वापस जाके अल्लाह से तौबा कर ले, जो अल्लाह की तरफ पलटने वाला हो। तो ये माना एकदम सही है, हम बेशक इंसान है, हमसे गुनाह खता होती है, लेकिन हमने ऐसी कौन सी इल्मी मेरे भाई गुस्ताखी कर दी अल्लाह के नबी की शान में, वो हमें कोई बताए ना। ऐसे तो भाई जो इमाम आला हजरत थे वो भी आदम के औलाद में से, उनसे भी गलतियां हुई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो भी आदम के औलाद में से, उनसे भी गलतियां हुई। मैं भी आदम के औलाद में से हूँ, मेरे से भी चूक होती रहती है, मेरे से भी गलतियां होती रहती हैं। उसका माना ये नहीं है। बात ये है कि किसी एक एक जमात को पूरा टारगेट करना कि ये तमाम लोग गुस्ताखे रसूल हैं, तो हमारी गुस्ताखी तो साबित करो। जिसको तुम गुस्ताखी भाई समझते हो वो तो अल्लाह ताला कुरान में ऐसा कह रहा है, तो या तो माज अल्लाह तुम अल्लाह ताला को बोल दो गुस्ताख, तो उनकी त्योकात नहीं है। तो जो बात अल्लाह बोले वही बात हमने बोल दी, तो हम गुस्ताख कैसे हो जाएंगे भाई? ये तो वही बात हो गई कि अल्लाह ताला कह रहा है
कहो कि अल्लाह एक है, और जब हमने बोल दिया कि अल्लाह एक है तो जो भाई जो जो 50 अल्लाह को मानने वाले हैं तो वो कह रहे हैं भैया तुम गुस्ताख हो अल्लाह के। अरे मैं कैसे गुस्ताख हो गया, अल्लाह कह रहा है ना कहो कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, तो वही मैंने भैया हमने कह दिया अल्लाह एक है, तो जो अल्लाह कह रहा है वो हमने कह दिया, तो हम कैसे गुस्ताख हो जाएंगे। जब कह रहे हैं अल्लाह मुझे फरमा रहा है कुल हु अल्लाह अहद, मतलब ये है ना जी आप फरमा दीजिए, क्या कह रहे हैं अल्लाह रब अपने महबूब से कह रहा है कि महबूब आप कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए, तो इंसान उस बात को कितना समझा है या उसका इल्म अमल और उसकी जो अंदर के मोहब्बत है वह बताएगी। एक अल्फाज के कई मायने निकलते हैं और कुरान करीम को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि आज के मौलवी मौलानाओं ने बना दी है, इसका माने यही है। भाई कुरान समझना बहुत आसान है, ये मौलवी मुल्ला ने उसको एकदम भाई को बना दिया मुश्किल। मौलवी मुल्ला तो कहता है जब तक उसको 70 उलूम ना हो तब तक कुरान समझ नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ भाई कि आप जाके कोई हिंदी वाला कुरान किसी जाके किसी भाई वो अनपढ़ जाहिल जो नॉन मुस्लिम उसको दे दो, वो खाली तर्जुमा मेरे भाई पढ़ेगा और 80% बात तो उसकी समझ में आ जाएगी। जैसे वो पढ़ेगा इयाक नअबदु व इयाक नस्तईन कि ए अल्लाह ए ईश्वर हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो कोई दुनिया का भाई कोई भी होगा हिंदू सिख ईसाई यहूदी वो तर्जुमा पढ़ेगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगी क्या भैया इस्लाम में जो इनका अल्लाह है उसकी इबादत करना है और उससे ही मदद मांगना है, वो फौरन समझ जाएगा। लेकिन मौलवी मुल्ला लोग क्या करते हैं, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, इसकी तफसीर के नीचे लिख देते हैं या अली से मदद मांगना जायज है या मतलब गौसे आजम से मदद मांगना जायज है या फला से मदद मांगना जायज है, तो ये क्या ये कहाँ तफसीर लाए। जो मोटी मोटी आयते हैं जो मेरे भाई नॉन मुस्लिम खुद अपनी अकल से बिना किसी मौलवी मुल्ला के समझावे से समझ सकता है, अरे उसमें सीधी बात है, उसमें है क्या कुरान में कोई इतना बड़ा टिपिकल मौजू थोड़ी ना है जो भाई पिछली जो कौमें हैं उनके वाकियात हैं, ठीक है, और जो भाई कयामत है ठीक उसके आसार हैं, जहन्नुम का जो अजाब है उसके अजाब के बारे में आया है, जन्नत में जो बाग हैं उसके बारे में आया है, इंसान को क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में आया है। हाँ 20% जो मेरे भाई आयते हैं वो थोड़ी मतलब भाई थोड़ी टफ हैं जो बिना आलिम के हम नहीं समझ सकते, लेकिन 80% तो कुरान ऐसा है जो बिना तर्जुमे के हम समझ सकते हैं। मैंने कहा ना हर एक अल्फाज के कई मायने निकलते हैं और हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। मैं हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे थे कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, ठीक है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, जानदार चीज जान है अल्लाह जिसने जान डाली है उसको मरना जरूरी है, मतलब वह इस दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में जाएगा वहाँ पर फिर उसकी जिंदगी है अगर उसके अमल अच्छे हैं। जैसे कि हम लोग पहले रूहों की दुनिया में थे वहाँ से उतर के आए अपनी माँ के पेट में आए, माँ के पेट में इस धरती में चले आए इस मौत वाली जगह में, यहाँ से जाएंगे कब्र में, कब्र से जाने की मौत जब भी किसी को आएगी तो जाहिर सी बात है मतलब मानिए जैसे उसको मौत आई फौरन अगले पल उसकी दूसरी जो लाइफ होती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक बिल्कुल। अगर ऐसे देखा जाए तब तो मेरे भाई किसी का इंतकाल ही नहीं हुआ फिर, लेकिन आम तौर पर दुनिया में कहा जाता है कि हाँ भैया माने कोई आदमी है भाई उसका इंतकाल हो गया, तो जब हम लोग ऐलान हम लोग करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई ये फला भाई थे इनका इंतकाल हो गया, कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते हैं कि नहीं वो पर्दा फरमा गए, मौत आई है तो मौत कहो कि हाँ भैया उनको मौत आ गई है उनका इंतकाल हो गया है भाई वो चले गए दुनिया से, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए अल्लाह तेरी तरफ से आए हैं तेरी तरफ लौट के जाना है। जी बिल्कुल जा ही रहे हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाता है जब हमारे कुछ मेरे भाई अकाबिर लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसी इस दुनिया में जिंदगी थी वैसी ही मरने के बाद भी इस दुनिया में जिंदा है, बस वो पर्दा फरमा गए, तो फिर हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है जैसे वो पहले दुनिया में जिंदा थे वैसे अगर आज भी जिंदा है
तो अल्लाह ताला तो कह रहा है ना कि हर जानदार को मौत आनी है, तो बताओ अब कब मौत आएगी उनके, तो वो गालियां देने लगते हैं। जो जिसे भाई कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दुनिया से पर्दा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि इस दुनिया से बेहतर इस दुनिया में है। तो यही तुम कहते हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह सुबहानो ताला की कब्जे कुदरत में एक बेहतरीन मेरे भाई दुनिया में है, ठीक। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत वाली भाई वो दुनिया में है। हम अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद पर पढ़ के उनको अपने ऊपर हाजिर नाजिर करते हैं, यानी कि माज़ अल्लाह अल्लाह के नबी एकदम फर्स्ट क्लास भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो दुनिया में है। हम बार बार इस थर्ड क्लास फोर्थ क्लास दुनिया में अल्लाह के नबी को बार बार बुलाते हैं, और माज अल्लाह के अल्लाह के नबी हमारे नौकर हैं कि जय बार हम कहेंगे वो हाजिर नाजिर हो जाएंगे। ये अकीदा रखना ही बातिल है। नबी अल्लाह सुबहान तआला की कब्जे कुदरत में और सूरे मोमिनीन की आयत नंबर 100 में एकदम आसान इसका हवाला है। सूरे मोमिनीन की आयत नंबर 100 में अल्लाह ने पहले कह दिया है कि इस दुनिया और आलम जो बरजक है उसके बीच में एक आड़ बन गई है, ना इस दुनिया वाले आलम बरजक जा सकते हैं ना आलम बरजक वाले वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं कि वो कैसे हाजिर नाजिर हो जाएंगे भाई। कभी देखते हैं कि भाई अल्लाह के नबी भाई इस दुनिया में आए जा रहे हैं, कोई के मतलब भाई कोई को शिफा दिए दे रहे हैं, कोई को मतलब भाई बशारत दिए दे रहे हैं, के लिए बनी है तो उनकी मर्जी जब जाए जहाँ तहाँ आए आओ जाए। नहीं नहीं ये नहीं है भाई, देखिए जो कुरान का कानून है ना वो तमाम उम्मत के लिए है, और ये सबसे पहले तो अल्लाह के नबी के लिए है, क्योंकि जो जो कुरान की आयतें नाजिल हुई वो भाई आपके ऊपर हमारे ऊपर नाजिल भाई नहीं हुई, अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई। अगर अल्लाह ने कह दिया है कि इस दुनिया और आलम बरज़ख के बीच में एक आड़ है, तो वो आड़ है, तो वो आड़ अल्लाह के नबी के लिए भी है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। जो कुरान है ना वो तमाम इंसानियत के लिए आया है, तमाम जहां के लिए आया है, और अल्लाह के नबी तो तमाम जहां के लिए रहमत बना के भेजे गए थे। तो भला ये कैसा दोगलापन होगा कि नबी के लिए कुरान की आयतें ना हो बाकी लोगों के लिए हो, ऐसा नहीं है। नबी के लिए तो सबसे तो पहले आयतें थी जी, बिल्कुल अल्लाह के नबी सरकार तमाम आमद के तमाम आलम के लिए रहमत है। तो कितने दिन के लिए रहमत है भाई? तक कयामत तक के लिए, जब तक अल्लाह के नबी की तालीम है तब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो रहमत है। जो भी अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करेगा रहमत इंशाल्लाह बरसेगी। रहमत जब मोहब्बत रहेगी तब रहमत बरसेगी। तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत का असल माना जो है जो सहाबा इकराम ने समझाया कि मोहब्बत अल्लाह के नबी से मोहब्बत का भाई ये माना है कि अल्लाह के नबी जैसा कर रहे हैं वैसा करे, जो जो सुन्नत है उसके उसको मजबूती से थाम ले, और जो अल्लाह के नबी ने कभी नहीं किया दीन में वो हम कभी ना करें। ये असल मोहब्बत है, इत्तबा, ना कि फर्जी की आशिकी कि नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं और नबी की तालीम आती है तो घूम जाते हैं। तो ये वाला मैटर नहीं है दोगलापन वाला। सहाबा इकराम तो अल्हम्दुलिल्लाह जान देने के लिए तैयार थे नबी के लिए, नबी इशारा बस कर देते तो सहाबा मतलब एकदम अपने जो भाई वो नफ्स होती थी उसको मार देते थे। नबी ने कह दिया ऐसा करो तो बस सहाबा ने वैसा किया, एक बार में भाई जो अल्लाह के नबी का ऑर्डर होता था उसको बजा लाते थे। हमारी तरह थोड़ी ना कि तमाम हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी ने कहा उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो, और सहाबा इकराम ने देख के बता दिया कि अल्लाह के नबी की ऐसी नमाज थी। और जब हम नबी के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम काहे के दावेदार हैं आशिकी के? अपने मसलक को तो छोड़ेंगे नहीं। अभी एक तरफ भाई नबी आ जाए, एक तरफ भाई वो मसलक आ जाए, तो मसलक से समझेंगे। आप बस समझ रहे हैं मसलक मसलक बहुत मामले हैं, नबी को समझना इतना आसान है और क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शौहर हूँ, मौला अली उसके दरवाजा, मैं जिसका मौला है मौला अली से मौला। अभी तक तो हम मौला अली तक नहीं पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचने की जरूरत कर रहे हैं। अल्लाह
अल्लाह के नबी को समझना अभी भी आसान अल्लाह के नहीं है, रसूल सरकार मुश्किल है। ऐसी कौन सी चीज आपको मुश्किल लग गई मेरे भाई? आज नहीं समझिए, पहले उनके आज तक नहीं पहुंचे, उनकी ड्यूटी तक नहीं पहुंचे। देखिए मैं ईमान मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई कोई इंसान जाके अल्लाह के नबी के ईमान और मर्तबे को छू लेगा, नहीं। हमारा तो ईमान अकीदा है कि तमाम इंसान भी मिल जाए तो एक नबी के भाई जो भी उसका कारनामा है, मुकाम है, ईमान है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन नबी की सुन्नत तक तो पहुंच सकते हैं। या नबी के भाई वो नबी ने ऐसे नमाज पढ़ी है तो हम भी ऐसे नमाज पढ़े। नबी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे तो हम भी खाली बिस्मिल्लाह पढ़े, नहीं। नबी पढ़ते थे बिस्मिल्लाह तो हम खाना सामने रख के पूरी फातिहा देंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? अरे हम कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, हम कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। अरे वाह रे वाह, नबी ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ा तो हम भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना। अगर कुरान पढ़ना ज्यादा अफजल होता तो क्या माज अल्लाह अल्लाह के नबी ने ये अफजल काम छोड़ दिया? तो हम अपनी अकल से अपने अपना दीन बना रहे हैं। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की भाई इबादत है और दीन का सुतून है। मैं तो कहता हूँ कि नमाज की दुआ है। मैं तो कहता हूँ कि नमाज की दुआ है। देखिए आप थोड़ा उल्टा कह रहे हैं, ठीक है दुआ है, तो दुआ भी एक इबादत है, लेकिन नमाज एक अल्लाह का सबसे अफजल भाई जिक्र है। मैंने तो बीच में ही कहा था कि हर पीछे के दो पहलू होते हैं और मैं भी अलग बैठने तो आप गलत आप गलत पहलू को कहे ले रहे हैं। दुआ इबादत है, नमाज दुआ है। वो जो जैसे ये जनाजे की नमाज आई वो का माना एक दुआ है मैयत के लिए। आपका काम जहाँ से नहीं बन रहा है तो आप कोई दूसरा दरवाजा जरूर देखेंगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बीमारी में काम अगर कुरान हदीस से बन रहा है तो हम आला हजरत की बात तो क्यों मानेंगे? अरे भाई तुम आला हजरत के पास क्यों जा रहे हो? नहीं, हम एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आला हजरत ने कहा कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है, तो माज अल्लाह अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। और आला हज़रत क्या कह रहे हैं? मेरे दीन और मेरा मजहब जो मेरी जो उनकी जो किताबें हैं कुतुब है उससे जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है, यानी कि तौहीद से, नमाज से, हज से, जकात से, रोजे से, ये तमाम फराइज जो हैं उनसे भी अफजल जो फर्ज है वो ये फर्ज है आला हज़रत की जो किताबों से दीन और मजहब जाहिर हो रहा है उस पर कायम रहना। अब बताइए हो गया ना भाई ये नबुवत पे डाका? और ये मेरे भाई हयात आला हजरत की भाई जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 242 पे लिखा हुआ है, ओपन एरिया। हाँ तो हम ये नहीं कहते आला हजरत की जो बात अल्लाह के नबी से साबित है इंशाल्लाह हम तो मानेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बात नहीं जाएंगे, आप आले हदीस हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आप आले हदीस हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि आप वाले अभी से तो अल्हम्दुलिल्लाह आप होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कौन है आप? मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। तो कुछ भी नहीं है, बताइए इतनी उम्र आपकी हो गई अभी तक आप मेरे भाई कुछ भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं भाई कुरान हदीस पे अमल कीजिए, अहले सुन्नत अहले हदीस बनिए। मैंने क्या कहा और आपने क्या समझा बताइए? आपने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप कुछ भी क्यों नहीं है? कुछ तो बनिए मेरे भाई। अरे टीपू सुल्तान भाई कुछ तो आपको बनना पड़ेगा। मेरे जो साथी हैं कहते हैं कि तुम क्या हो बता सकते हो, तुम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है खुदा है, तो तुम ये कभी गुमान भी मत करना कि तुम हो कौन। तो यहाँ पे ये कौन से दोस्त ने आपको कहा है कि कभी ना मतलब गुमान करना तुम हो कौन? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी कुछ है खुदा है। और अगर वो बात अलग है, अब अल्लाह को हम थोड़ी ना कह देंगे कि अल्लाह भाई वो अहले हदीस था या मतलब बरेलवी था या देवबंदी की हो रही है ना, इसीलिए हम मुस्लिम हैं तो इस्लाम को हम कैसे समझते हैं भाई? हम देवबंद के अकीदे से समझते हैं या बरेलवी के अकीदे से समझते हैं या कुरान हदीस के अकीदे से समझते हैं? तो ये तो पहचान है ना। पहचान जाहिर करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जैसे अल्लाह ताला ने भाई कहा कि हमने इंसानों को जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया,
तो आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, ठीक, लेकिन पहचान का नाम है ना कि मेरा नाम अफ्फू खान है, आपका नाम भाई टीपू सुल्तान है, तो ये पहचान है ना। उसी तरीके से तमाम लोग मेरे भाई क्या है, मुस्लिम है। अब मुस्लिमों में कौन से मुस्लिम है, अहले बिदत है या अहले सुन्नत है, अहले बातिल है या अहले हक है, अहले शिर्क है या अहले तौहीद है, तो ये सब मेरे भाई फर्क होता है ना। या फर्क करने वाले हम ही लोग हैं, हम ही बताते हैं कि तुम काफी हो, एक जमात है जो कह रही है हम अपने इमाम की राय को कयास को मानेंगे, तो वो अहले राय हो गए, हम कहते हैं हम भाई कुरान हदीस को मानेंगे, हम अहले हदीस हो गए। आप भी तो उन्हीं में से हो गए, आप भी तो उन्हीं में से हो गए, आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो फिर उसी में एक सवाल और निकल के आप ही निकाल के लेकर आते हैं कि कैसे मुसलमान है, अहले सुन्नत है, अहले अहले हैं, अहले वो हैं, क्या है। तो भाई मुसलमानों में लोगों ने अपने अपने बाप दादाओं के दीन को अपने ऊपर थोप लिया है, तो उनसे पहचान उनकी नहीं पूछी जाएगी। एक जो कब्रों पे सजदा कर रहा है वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहा है, एक जो साहबा को गालियां दे रहा है वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहा है, एक अपने इमाम की बातों को अपने ऊपर भाई वो लादे ले रहा है वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहा है, तो सभी मुसलमान है। तो मुसलमानों में जब आपस में बात होगी तो हम भाई अपनी पहचान बताएंगे ना। और ये तो भाई एक सिफाती नाम है ना, अहले हक, अहले तौहीद, अहले सुन्नत, अहले हदीस, मोहम्मदी, सल्फी, ये सब क्या है, ये सब तो पहचान के नाम है। अब हमारी पहचान इन्हीं फिरकों से होगी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब हमारी पहचान इन्हीं फिरकों से होगी। अरे फिरका तो उसको कहते हैं जो असल से हट जाए, जैसे बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, ये असल से हट चुके हैं। तो ये सब क्या है, हमारी पहचान अब इन्हीं से होगी, मुसलमान से हम टाइटल रख लेंगे कि मुसलमान है, और अरे भाई जो मुसलमान है वो हमारा जाति नाम है, फिरके से हो किस उन्नत से हो किस ये तो अल्लाह के नबी से साबित है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना हदीस में, अहले कुरान तुम वित्र, अल्लाह के नबी हदीस में कहते हैं अहले कुरान तुम वित्र पढ़ा करो, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा ना कि ए ईमान वालों तुम वित्र पढ़ा करो, ए मुस्लिम तुम वित्र पढ़ा करो। अल्लाह के नबी ने सिफाती नाम से बुलाया ना, अहले कुरान तुम वित्र पढ़ा करो, तो अहले कुरान उस दौर के कौन थे, जो भाई जो अल्लाह का कलाम था उस पर अमल करते थे। अपने इस मसलक का नाम अहले हदीस रख लिया, अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है ना। बिल्कुल, वो भी किताब है और बेहतरीन किताब है जिससे आदमी इल्म और अमल दोनों करता है। अल्लाह ताला ने सूरह जुमर में फरमाया कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया, अहसनुल हदीस, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा। और हम जानते हैं अल्लाह के नबी के कॉल, फेल, अमल और भाई जो तकरीर होता है उसको भी भाई इस्तिलाह में हदीस बोलते हैं। तो हमारा जो सिफाती नाम है वो है अहले हदीस, हम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, और भी मानते हैं। नहीं, सिर्फ दो चीजें अल्लाह के नबी छोड़ते गए हैं, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत, हम इन दोनों को मानते हैं। इन दोनों के अलावा भी भाई कुछ मानना चाहिए, आप बता दीजिए भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बने इसराइल में 70 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में 72 हो जाएंगे, ठीक है। और पुराने करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि फिरके न बनाओ, ये सब क्या है। देखिए ये सब क्या है, ये आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में कहता है, तुम सब लोग एक साथ मिलकर अल्लाह की रस्सी को एकदम मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बटो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जामी तिर्मिजी की हदीस है, हदीस नंबर 171, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम में और एक होगा कामयाबी वाला। तो साहबा इकराम पूछते हैं वो कौन होगा कामयाबी वाला, तो अल्लाह के नबी ने कोई नाम नहीं बताया, अल्लाह के नबी ने सिर्फ उसकी जो मतलब भाई वो सिफात थी उसको बताया। मा आना अलैहि व असहाबी अल्यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा है, मैं पहले, नबी पहले, बाद में साहबा, तो आज की तारीख में हमें कोई भी अमल देखना पड़ेगा, पहले नबी देखेंगे उसके बाद साहबा देखेंगे, उसके हिसाब से जो अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा।
तो अगर मान लीजिए आज की तारीख में हमको अल्लाह के नबी की पैदाइश मनाना है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मान अलैहि नहीं सुनिए, असाबी, इस बार भी मैं जरा पहले नबी। गौर करिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अल्लाह के नबी की आज के दौर में हमको मनाना है पैदाइश मिलाद, ठीक, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ने क्या हर सालाना अपनी मतलब भाई वो जो बर्थडे पार्टी है उसको मनाया, तो साबित होता है नहीं मनाया। सहाबा इकराम को देखेंगे, सहाबा इकराम भी कभी भी 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन नबी नाम से कोई त्यौहार नहीं मनाए, ठीक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है कि जो ईद इस्लाम में है वो दो है, मतलब जो फेस्टिवल है वो इस्लाम में दो है, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। लेकिन ये नई ईद, ईद मिलादुन नबी, इसका कोई भी हदीस में नाम नहीं है, ना कोई मेरे भाई साहबा ने मनाई। हाँ, पैदाइश मनाना है, अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है वो ये है कि अल्लाह के नबी हर पीर का यानी कि हर सोमवार का मंडे का रोजा रखते थे अल्लाह के शुक्र में कि मैं इस दिन पैदा हुआ। तो जिसको पैदाइश मनाना है वो साल में भाई वो 52 बार मनाएगा ना, 12 रबी अव्वल को खास करके जुलूस निकाल के ये सब पैदाइश मनाने के तरीके कहाँ से। हाँ, हमें खुशी है लेकिन उस खुशी को मना नहीं सकते, दोनों बातों में फर्क है ना। बना नहीं सकते। अच्छा, नहीं, अगर हम हमने खुशी नहीं मना मना लिया सकते। तो हम फिरकों में शुमार हो जाएंगे ना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, माना अलैहि व असहाबी अल यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहब आए उस तरीके पे जो रहेगा वो कामयाब रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि उस दौर में अल्लाह के नबी का अमल क्या था, सहाबा दौर इकराम में का अमल अल्लाह क्या था। के नबी के, हाँ, तो तो अभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम दीदार भी नहीं कर सकते और सहाबा इकराम का भी हम दीदार नहीं कर सकते, तो दीदार करेंगे किसका? रसूल पाक की क्या आल करें, का, रसूल पाक की आल का, जो यह सिलसिला बना हुआ है चलते चले जा रहा है, पीराने पीर दरगी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और अगली नमाज, हम यह देखेंगे कि इन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया कि नहीं। ये हमारे लिए उज्जत थोड़ी ना है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि क्या वो कहा, कामयाब होगा जो मेरे तरीके जो पे मेरे मेरी आल सहाबा के हो गए, ये नहीं कहा कि जो मेरे तरीके पे और गौसे आजम के तरीके पे होगा। और गौसे आजम ने तो खुद कहा है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। वो खुद नमाज में सीने पे हाथ बांधते थे, वो खुद नमाज में भाई रफुलदैन करते थे, वो खुद आमीन जोर से बोलते थे, वो खुद इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे। तो लोग क्या कहते हैं, वो हम्बली थे। तो आपके जो पीर बाबा हैं वो हम्बली हैं, तो आप भाई काहे की हनफी बने हुए हो। अगर पीर बाबा गौसे आजम नबी की आले औलाद में से हैं, तो भाई अगर वो हम्बली हैं तो आपको भी हम्बली बनना पड़ेगा ना, तो आप हनफी कैसे हो जाओगे। तो यही दोगलापन भाई ये सामने आ जाता है भाई। गौसे आजम की हम इज्जत करते हैं, अब एक दीवार पे भाई उतरी हुई है भाई वो चार बातें। पहली बात क्या उतरी है कि हाँ भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ो, दूसरी बात है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, तीसरी बात है कि चोरी करो, और चौथी बात है कि भाई वो गरीबों को खाना खिलाओ। तो एक दीवार पे चार बातें लिखी हैं, उसमें तीन बातें सही हम उनको लेंगे, एक जो बात है कि चोरी करना चाहिए उसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से गौसे आजम की जो किताब है वो कोई आसमानी किताब थोड़ी ना है, जो उनमें बातें सही है उसको लेंगे और जो बातें गलत है उसको छोड़ देंगे। जैसे गौसे आजम की मेरे भाई जो ये किताब है गुन्नतुत तालबीन, उसमें आता है कि जो तावीज पहनना है वो जायज है, तो हम इस बात को नहीं लेते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने तावीज पहना उसने शिर्क, उसने क्या क्या शिर्क शिर्क किया, तो हम तावीज नहीं पहनते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई ये सब मसले बहुत आसान है लेकिन इसको मौलवी मुल्ला ने पेचीदा कर दिया है। अच्छा, हाँ और आप लोगों ने आसान कर दिया। भाई हमारा दीन आसान है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना आसानी से बता देते हैं कि भाई जो बात अल्लाह और अल्लाह के नबी दें उसको ले लो। और इमाम मालिक रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबकी बात को ले सकते हैं, सबकी बात को छोड़ सकते हैं सिवाय अल्लाह के नबी के। अल्लाह के नबी की बात तो हमको लेनी लेनी है,
चाहे हमारा दिल इस पर बिल्कुल राजी हो चाहे ना हो, वो तो माननी माननी है। लेकिन ये हम नहीं और आप किसी ने जान सकते कहा हैं कि कि गौर आजम की गरीब नवाज की बात को ओपन ले नहीं एरिया लेता। उनको छोड़ रहा है। छोड़ने को कहाँ कह रहे हैं भाई, हम तो कह रहे पकड़ो, लेकिन हाँ ऐसा ना पकड़ो कि उसके पकड़ने के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह की नबी छोड़ जाए। अच्छा हाँ पकड़ो, जिंदगी भर पकड़े रहो, उनके नाम का कलमा पढ़ लो जैसे लोगों ने पढ़ लिया, अगर ला इलाहा एक सवाल इल्लल्लाह है में नहीं चिश्ती रसूलुल्लाह माजल्ला। अभी तो नबी का जमाना नहीं है, वलियों का ही जमाना है। तो मैं क्या कर रहा था कि अभी मेरे दिल में कि ऐसे ही ख्याल आ गया, शैतानी हरकत या फिर कुछ और। सवाल है कि अगर इस्लाम मजहब इस्लाम इतना ही आसान है तो यह हिंदू लोग अभी जिंदा क्यों हैं? इनको यह बात कौन इतनी जिंदा? आसान, हिंदू लोग गैर मजहबी लोग ईसाई लोग अभी तक तो जिंदा क्यों है? इतनी आसान मजहब है, इतना आसान हमारा मजहब इस्लाम है, इन लोगों की समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि हम समझा ही नहीं रहे, जब हमारे खुद के अच्छा समझ में नहीं आ रहा मतलब है तो दूसरों को क्या समझाएंगे हमें नहीं भाई। नमाज बना में है। नाव के नीचे हाथ बांधना है या सीने पे बांधना है, इससे फुर्सत मिले तो हम गैरों को तौहीद की दावत देंगे ना। आज हमने अपना काम भाई रोक दिया, अल्लाह ताला ने हमारी जो हवा थी उखाड़ के रख दी। आज हमारी औकात क्या है, जो देखता है भाई हम लोग को पटक के मारने लगता है भाई। दाढ़ी हम लोग रख के भाई हम लोग खुले आप घूम नहीं सकते हैं, घूमते हैं तो लोग ऐसे घूर के देखते हैं जैसे आतंकवादी हैं। तो आज हम लोग ने ऐसा किया, आज झेल रहे। नहीं सहाबा इकराम के पास क्या देखो था, ना पैसा था ना दौलत थी ना कुछ था, उनके पास क्या था, अल्लाह और अल्लाह के नबी का फरमान। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया पे सहाबाओं ने अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या की, हुकूमत की। आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास सब मौजूद है, कुरान है, हदीस है, तर्जुमा है, सब कुछ आसानी से है, लेकिन क्या है, लेकिन जो अमल आप नहीं लोगों है। में है, एक अभी भी फिर से ख्याल आ गया है कि जो आप लोगों में अहले हदीस से वहां से कोई अल्लाह वाला नहीं निकला, ऐसा क्यों? अहले हदीस में से अल्लाह वाला नहीं निकला, चलिए बता देते हैं। ठीक, आर्य समाजी, ठीक आर्य समाज आप जानते होंगे, हिंदुओं की एक शाखा होती है। ठीक, हाँ वो जी मतलब कहते हैं कि हम वेद को मानेंगे, पुरान को मानेंगे। एक आर्य समाजी ने अरे मानो अल्लाह के मानो नबी अच्छी की बातें जात हैं, के अच्छी ऊपर अच्छी एक चीजें किताब उसकी लिखी मानो। थी, ठीक है, रंगीला रसूल माजल्ला। हाँ, उसमें और फ्लावर उनको रंगीले बोला जाता रसूल के अंदर अल्लाह के नबी की ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें मेरे भाई उन्होंने छापी। है। ऐसी ऐसी नहीं तोहिन, ऐसी ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कहिए कि तोहिन लिखी हुई थी आगे। देखिए तौहीन तो क्या, उन्होंने हदीसों का जाहिरी माना ले लिया, उन्होंने भी जो बात कही है ना उन्होंने किताब में बकायदा हदीस दी है। ठीक, उनके हिसाब से वो बातें मतलब भाई इस्लाम की तालीम थी, लेकिन हमारे भाई एतबार से वो इस्लाम की तालीम तो सही थी, लेकिन मसला जो उससे उन्होंने अपनी अकल से समझा वो बिल्कुल गलत था। ठीक, तो उन्होंने एक किताब शाया कर दी रंगीला रसूल। किसी देवबंदी ने उसका जवाब नहीं दिया, ना किसी मेरे भाई बरेलवी ने उसका जवाब दिया। आशिके रसूल कहते हैं ना उनके नबी को बोल दिया गया माजल्ला रंगीला रसूल, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसने जवाब दिया, अहले सुन्नत अहले हदीस में, मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी रहीमुल्ला, उन्होंने उस किताब का रद्द किया। और एक किताब दूसरी भाई वो लिखी, ठीक है, मतलब जो उनकी किताब थी रंगीला माजल्ला रसूल, उसके जवाब में, और उस किताब का नाम था मुकद्दस रसूल बा जवाबे रंगीला रसूल। ये किताब जब आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो जो हदीस उन लोगों ने दी, जो जो कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के उन्होंने छापा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना बेहतरीन जवाब दिया कि सबका सबका भाई एकदम मुंह काला हो गया। तो हमारे वहां भी अल्लाह के वली बहुत गुजरे हैं, बस हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उसको हम मतलब एकदम हाईलाइट उसको नहीं किया है। हम ये कहते हैं उन्होंने नेकी तो की, हाईलाइट करना वो हमारी बस की बात है, हाईलाइट तो हम हाईलाइट क्यों करें, करना। अभी हम हाईलाइट कर देंगे तो जो हमारी आवाम है वो इतनी जाहिल है वो तो उनको अपना पीर बाबा बना लेगी। और हम ये कहते हैं भाई अगले वो अल्लाह के वली थे, बनाते अल्लाह हैं, ने उनको इनाम दे दिया, हम अपने कुरान अगले हदीस पे अमल बाबा करेंगे। बनाते हैं, आप लोग भी पीर बाबा बनाते हैं। भैया आवाम का कोई भरोसा नहीं है ना। आज अगर मेरे अच्छा भाई, आज अगर भाई मैं कोई अच्छा काम कर दूं, कल को मेरा इंतकाल हो जाए तो आवाम तो इतनी अंधी मेरे नाम की मजार बना देगी, तो आप क्या रोक लोगे? ठीक
लोगों को तो पैसा कमाना भाई, है। अभी तो आपने कहा कि अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं, तो वो पढ़े लिखे हैं, हदीसों को जानते हैं, तो किसी को क्यों बाबा बना देंगे? तो वही तो कह रहे हैं ना, हम हदीसों को जानते हैं इसलिए तो बाबा हम नहीं बना रहे हैं। हम ये कहते हैं अल्लाह अच्छा के वली हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तालीमात पे अमल करते हैं। जरूरी है कि कोई हमारा कोई अल्लाह का वली मतलब गुजरा हो तो जबरदस्ती उसकी हम मजार दरगाह बना के उनको यादगार के लिए छोड़ रहे हैं। नहीं, हमारे दिलों में भाई उनकी जो अजमत है, शान है भाई, वो जिंदा है। जरूरी नहीं भाई हम मतलब उसको मतलब फेमस करें, दिखावा करें। दोनों बातों में फर्क है। हम्म।